साथियों को नमस्कार। साथियों, एक बात बीजेपी बहुत फैला रही है कि हम एमएसपी देंगे, एमएसपी देंगे, एमएसपी नहीं तोड़ रहे हैं। बार बार इनके मंत्री ये बयान दे रहे हैं, इन्होंने कान पका दिए हमारे। लेकिन मैं आपको इसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। हमारी 8 तारीख शाम को जो मीटिंग हुई थी माननीय अमित शाह से जो मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने ये क्वेश्चन किया था कि अमित शाह जी, आप ये बताइए कि आप 23 फसलों का एमएसपी तय करते हैं, क्या आप 23 की 23 फसलें आप पूरे देश से एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार हो? उन्होंने क्लियर जवाब दिया था कि नहीं खरीद सकते, 17 लाख करोड़ रुपया बनता है, हम नहीं खरीद सकते। बिल्कुल क्लियर उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनको ये भी आगे से जवाब दिया कि 17 लाख करोड़ तो कुल कीमत है, आप जो बेचोगे वो बेचोगे भी तो आपको 2 लाख का घाटा होगा, 3 लाख करोड़ का घाटा होगा, इतना तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना किया है। और आज कृषि मंत्री केंद्र का फिर बयान दे रहा है, मीडिया में बैठ के बोल रहा है कि नहीं, हम एमएसपी जारी रखेंगे। सारे बीजेपी वाले बोलते हैं एमएसपी जारी रखेंगे, आपको गुमराह करना चाहते हैं ये, ऐसे एमएसपी जारी रखेंगे। ये कहते हैं हम जितना पहले खरीद रहे हैं उतना ही हम आगे खरीदते रहेंगे, और जितना पहले खरीदते हैं उसमें हमारा गुजारा नहीं है। अब की बार मक्का आया बिहार में 800 रुपये बिका, हरियाणा में 1,100 रुपये बिका। अगर ये एमएसपी पे बिकता तो 1 एकड़ में 20,000 का और फालतू निकलता। और ये हरियाणा में धान और गेहूं ही तो खरीद रहे हैं, या पंजाब में और पूरे देश में तो खरीद नहीं रहे। बिहार में कहां से धान खरीद रहे हैं, यूपी में कहां से धान खरीद रहे हैं? तो ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ये केवल उतना खरीदेंगे जितना इनका पीडीएस में पीले कार्ड वालों के पास बांटना है, केवल उतना एमएसपी पे खरीदेंगे, एमएसपी घोषित करेंगे लेकिन खरीदेंगे नहीं। ये अमित शाह ने क्लियर कर दी। जो बीजेपी बोल रही है वो सफेद झूठ बोल रही है, ये मैं जानकारी आपको देना चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।